सपोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। एमडी सपोर्ट में मैं महेश चौधरी। दोस्तों आज बात करूंगा रफ्तार के बारे में। दोस्तों एक फास्ट बॉलर के लिए रफ्तार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रफ्तार से ही वो बढ़िया विकेट ले सकता है और वेरिएशन का भी इफेक्ट आ सकता है। दोस्तों टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो या सीजन क्रिकेट खेल रहे हो, रफ्तार बहुत ही जरूरी है। अगर रफ्तार नहीं है टेनिस क्रिकेट में तो कोई भी वेरिएशन आपकी काम नहीं आएगी, चाहे वो कटर हो या लेग कटर हो या ऑफ कटर हो या स्विंग हो। दोस्तों सीजन क्रिकेट में भी दोस्तों रफ्तार बहुत ही जरूरी है, तभी आप वेरिएशन का फायदा उठा के विकेट चटका सकते हो और डोर्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे काफी कमेंट्स आ रही है, जो खास करके मेरे जो नन्हे बच्चे हैं और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट, उसके पास जो रफ्तार नहीं है, अगर जिसके पास ऑलरेडी रफ्तार थी लेकिन वो चली गई है, तो उसका आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह से आप वो रफ्तार को वापस ले सकते हो और अपने गेंदबाजी में रफ्तार इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जो रफ्तार की मैं बात करूं तो रफ्तार के लिए रनअप्स बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट से एक फास्ट बॉलर के लिए रनअप्स। अगर आप दोस्तों रोजाना 100 मीटर तक तो स्प्रिंट लगाएंगे यानी कि तेजी से दौड़ेंगे, तो रोजाना आपको 8 बार आपको 100 मीटर की तेज रफ्तार से दौड़ना जरूरी होगा। दोस्तों एक महीने तक आप रफ्तार पे मेहनत करिए, पहले स्प्रिंट पे मेहनत करेंगे, जितना स्प्रिंट पे मेहनत करेंगे जितनी रफ्तार क्रिएट करेंगे उतनी रफ्तार से आप गेंदबाजी डाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों रनअप से ही स्पीड इंक्रीज होती है। दूसरी जो दोस्तों बात कर रहा हूँ वो है एक्शन, बढ़िया एक्शन आपको इंप्रूव करने की जरूरत होगी, क्योंकि बढ़िया एक्शन देखा होगा आपने ब्रेट ली को, चार्ल्स स्टेन को, बढ़िया स्टाइलिश एक्शन करते हैं, उससे ही वो स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप रनअप्स लेते हैं तो आप रनअप्स अच्छी लेते हैं, लेकिन क्या ना जब एक्शन लेते हो और पूरी तरीके से कंप्लीट एक्शन नहीं लेते तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो सकती है, स्पीड में कम भी हो सकती है। इसलिए परफेक्ट एक्शन पे मेहनत करें पूरी तरीके से। आप काफ़ी वीडियोस है यूट्यूब पे और काफ़ी जो प्लेयर्स है ब्रैडली को, जेल स्टन को कॉपी कर सकते हो, उसका वीडियोस देख के, उसके स्लो मोशन के वीडियो देख के उसकी एक्शन को आप कॉपी कर सकते हो। वो किस तरह से अपना पैर लैंडिंग करते हैं, किस तरह से वो जंप लगाते हैं, किस तरह से ये सब आप उसको ऑब्जर्व करके आप अच्छी तरीके से आप प्लीज कर लेंगे। तीसरी बात जो अहम है वो है शोल्डर को पावरफुल बनाना। शोल्डर को पावरफुल बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप शोल्डर को पावरफुल बनाएंगे तब भी आप स्पीड इंक्रीज होगा, क्योंकि दोस्तों पूरी तरीके से जो बॉलिंग है उसका मजेदार है वो पूरी तरीके से शोल्डर पे होता है। यहाँ से दोस्तों ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से स्पीड इंक्रीज होती है। इसको मजबूत करने के लिए आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। जिम जाएंगे दोस्तों तो शोल्डर बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े शोल्डर से आप अच्छे बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैंने काफी प्लेयर्स को देखा होगा जो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, पूरी तरीके से स्लिम होते हैं, वो ही बढ़िया रफ्तार से गेंद डालते हैं। तो आपको दोस्तों अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्लिम करना है और फ्लेक्सिबल बनाना है, पूरी तरीके से अपने शोल्डर है वो फ्लेक्सिबल बनाएंगे तो स्पीड ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी। तो दोस्तों ये तीन बातें जो मैंने बताई, सबसे पहली बात दोस्तों रनअप पे मेहनत करें, 100 मीटर की स्प्रिंट लगाए, रोजाना स्पीड लगाएंगे तो एक महीने तक लगाएंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, उससे क्या है ना रफ्तार को आपको फायदा मिलेगा। दूसरी एक्शन पे इंप्रूव करें दोस्तों, बढ़िया से बढ़िया एक्शन इंप्रूव करेंगे तो उससे क्या है ना आप अच्छी रफ्तार को इंक्रीज कर पाएंगे। तीसरी जो बात है वो है शोल्डर, आपको शोल्डर इंक्रीज करना बहुत ही जरूरी है, उसमें पावर और फ्लेक्सिबल बनाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो थैंक यू वेरी मच।